जेफरीज के क्रिस वुड को शेयर बाजार में होने वाली हलचल को पहले ही भाप लेने वाले धुरंधरों में गिना जाता है। उन्हें देश विदेश में बड़ी तादाद में इन्वेस्टर से लेकर फंड मैनेजर्स तक फॉलो करते हैं। ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस जेफरीज के क्रिस वुड ने एक बड़ी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में भारतीय बाजार को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की गई है। ऐसे वक्त पर जबकि भारतीय शेयर बाजार 4 जून को चुनाव के नतीजों के आने का इंतजार कर रहा है, क्रिस वुड की ये रिपोर्ट बेहद अहम हो सकती है। तो बिज तक की इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि क्रिस वुड ने भारतीय बाजार को लेकर क्या भविष्यवाणी की है और इसे लेकर आपको सजग होने की जरूरत क्यों है। नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। दरअसल जेफरीज के क्रिस वुड ने अपनी ग्रीड एंड फेयर रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में इन्वेस्टर्स को भारतीय बाजार को लेकर आगाह किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मिड कैप स्टॉक्स की वैल्यूएशन ऊंची बनी हुई है, इसके बावजूद ये स्टॉक्स ब्लू चिप स्टॉक्स के मुकाबले बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके चलते एक ऐसा माहौल पैदा हो रहा है जहां कई विदेशी इन्वेस्टर्स यानी कि FPIs के पोर्टफोलियो कमजोर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में एक और बड़ी बात कही गई है। जेफरीज की ग्रीड एंड फेयर रिपोर्ट में भारतीय बाजार को लेकर आगाह करते हुए कहा गया है कि दूसरे मार्केट्स के मुकाबले भारतीय शेयर बाजारों ने अच्छा परफॉर्म किया है, इसके चलते विदेशी निवेशकों में एक डर पैदा हो सकता है। हालांकि विदेशी निवेशकों में एक सतर्कता का रुख दिख रहा है और वे भारतीय बाजार से लगातार पैसे निकाल रहे हैं, लेकिन इसका असर बाजार में तेज गिरावट के दौर पर दिखाई नहीं दे रहा है। इसकी वजह यह है कि घरेलू इन्वेस्टर्स बाजार में जमकर पैसा झोंक रहे हैं। यही वजह है कि बाजार नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। इसी माहौल को देखते हुए वुड ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत एक ऐसा इमर्जिंग मार्केट है जहां शायद विदेशी इन्वेस्टर्स अब ओवरवेट ना रहे, यानी विदेशी निवेशकों को ये लग सकता है कि अब भारतीय बाजार आगे तगड़े परफॉर्म ना करे और यहां पहले से भारी भरकम रिटर्न उन्हें ना मिल सके। इसी से पैदा होता है वो डर कि क्या विदेशी निवेशकों को लग रहा है कि आगे चलकर भारतीय बाजारों में बड़े करेक्शन भी दिखाई दे सकते हैं। आपको याद होगा कि मार्च में सेबी ने स्मॉल कैप शेयरों में एक बबल बनने की बात कही थी। इसके बाद स्मॉल कैप इंडेक्स में तेज गिरावट आई और बाजार में चारों तरफ डर का माहौल पैदा हो गया। क्रिस वुड ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि महंगे मिड कैप शेयरों में करीब 60% इनफ्लो आया है जबकि उनका मार्केट कैप केवल 30% है। उन्होंने लिखा है कि 36% डायरेक्ट रिटेल मनी टॉप 100 से नीचे के स्टॉक्स में आई है, जबकि इसमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 20% ही है। इस तिमाही में अब तक विदेशी निवेशक 4.7 अरब डॉलर के स्टॉक्स की बिक्री कर चुके हैं, जबकि इस साल की शुरुआत से अब तक ये बिकवाली 3.3 अरब डॉलर की रही है। ग्रीड एंड फेयर के इंडिया पोर्टफोलियो की बात करें तो इसमें 23% वेटेज प्राइवेट बैंकों का है। इस पोर्टफोलियो ने फरवरी 2023 से निफ्टी को 48% के अंतर से पछाड़ दिया है। RBI के सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड दिए जाने के ऐलान के बाद गुरुवार की अगर बात करें तो सेंसेक्स 1200 अंक चढ़कर 75,400 के पार बंद हुआ। शुक्रवार को भी बाजार ने एक नया रिकॉर्ड बनाया और ये 23,000 के पार चला गया। बीते कुछ दिनों में बाजारों में चुनाव के नतीजों को लेकर एक अनिश्चितता दिखाई दी है, इसी के चलते बाजारों में तेजी भी आई है। खास तौर पर सरकारी सेक्टर की कंपनियों ने जबरदस्त तेजी दिखाई है। रेलवे, डिफेंस और बीमा सेक्टर की सरकारी कंपनियों के शेयर बीते 5 से 6 दिन में 45% तक चढ़े हैं। इसमें RVNL, IRFC, कोचीन शिपयार्ड, मजगांव डॉक, गार्डन रीच, NIACL और SCI जैसे शेयर शामिल है। क्रिस वुड की ग्रीड एंड फेयर रिपोर्ट की देश विदेश में बड़े पैमाने पर फॉलो किया जाता है और इन्वेस्टर्स इसे देखकर अपनी राय भी बनाते हैं। अब जिस तरह से इस रिपोर्ट में भारतीय बाजार में ऊंची वैल्यूएशन को लेकर आगाह किया गया है, वो इन्वेस्टर्स के लिए एक चिंता की बात हो सकती है। देखना ये भी होगा कि शेयर बाजारों में आगे का क्या रुख रहता है। अगर आपको इस वीडियो में दी गई रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।